हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 18 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, किस चैनल ने सार्वजनिक सेना प्रसारक दूरदर्शन के साथ अपने लोकप्रिय एनिमेशन शो छोटा भीम को डीडी नेशन पर प्रसारित करने के लिए साझेदारी की है? तो जो पोगो चैनल है, जो कि वार्नर मीडिया का एक चैनल है, उसने जो है वो छोटा भीम को डीडी नेशन पर प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है। तो यह शो जो छोटा भीम है वो 2008 में शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक अपने एटीएम पर किए गए सभी लेन देन के लिए सेवा शुल्क माफ़ करेगा, साथ ही 30 जून 2020 तक निःशुल्क लेन देन की सीमा पार होने की स्थिति में अन्य बैंक एटीएम पर भी लागू होगा? तो जो भारतीय स्टेट बैंक है वो जो 30 जून तक एटीएम पर किए गए सभी लेन देन है वो उन पर सेवा शुल्क माफ़ करेगा। जो पहले जो थी, जो ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी वो 8 जो मुफ्त जो लेन देन है वो कर सकता था, जिसमें SBI के एटीएम में 5 लेन देन कर सकते थे और जो अन्य बैंक के एटीएम उनमें 3 लेन देन कर सकते थे। तो जो पहले जो कुल मिलाकर थी वो 8 मुफ्त जो लेन देन कर सकते थे एटीएम से, उसको अभी बढ़ाकर है वो जितने भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उन सभी को निःशुल्क कर दिया है। यानी कि अब आपको जितने भी ट्रांजेक्शन हो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या थी? तो 2020 विश्व हीमोफीलिया दिवस था, इसकी जो विषय था या जो थीम थी वो थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, जो इसकी थीम थी। तो जो विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 में जो 17 अप्रैल को मनाया गया है, और जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो फ्रेंच हेचनबेल का जन्मदिन भी 17 अप्रैल को आता है। जो फ्रेंच हेचनबेल है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक भी है। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में कौन WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए इसके राजदूत के रूप में शामिल हुए? तो जो विश्वनाथ आनंद हैं, जो कि 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, उनको है वो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में इसके राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, विली डेविस का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते हैं? तो जो विली डेविस थे वो जो थे वो फुटबॉल खेल से संबंध रखते थे। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया है? तो जो PK पुरवार है उनको जो है वो MTNL का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो PK पुरवार है वो BSNL के MD और CEO है, और इसके अलावा इनको जो भी MTNL का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर है? तो जो फिक्की है वो चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर है, और जो चौथे एशियाई पैरा खेल है वो 9 से 15 अक्टूबर 2020 को आयोजित किए जाएंगे, और जिसमें जो ताइक्वांडो और पैरा खेलों को प्रदर्पण के साथ 22 खेलों का जो आयोजन होगा। तो अगला है, किसने पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है? तो जो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज है उसने जो ये कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है। जो ये विकसित किया है वो डॉक्टर प्रलय के संतरा के नेतृत्व में जो ये सेंसर को विकसित किया गया है, जो है 0.4 PPB यानी कि पार्ट पर बिलियन तक के आयनों का डिटेक्शन कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन परीक्षण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जल्द शुरू किया जाएगा? जो दिल्ली में है वो कोरोना रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन परीक्षण जो है वो शुरू किया जाएगा। तो अगला है, COVID-19 महामारी के कारण निम्नलिखित में से किसने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है? तो जो BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसने जो है IPL लीग को 2020 को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सेंट टेरेसा कॉलेज के लोगों ने लोगों को कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो जो केरल राज्य में है वो एर्नाकुलम जिले में जो सेंट टेरेसा कॉलेज के उसने सोशल मीडिया पर कोविड कोरिपुकल अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य केरल के जो सभी 14 जिले हैं उनके लोगों तक पहुंचना है, और इस अभियान को पूरा करने के लिए 200 से अधिक छात्रों की एक जो टीम है इस अभियान का प्रबंधन करेगी।
तो जो केरल राज्य का जो राजकीय पशु है वो है भारतीय हाथी, और जो केरल का राजकीय पक्षी है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। और इसके अलावा जो केरल राज्य में नेशनल पार्क है वो है अनमुदी नेशनल पार्क, और एराविकुलम नेशनल पार्क, और मेथिकेटन नेशनल पार्क, और पब्बादम नेशनल पार्क, और पेरियार नेशनल पार्क, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल राज्य में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय का लक्ष्य 2020-21 फसल वर्ष में 298.3 मिलियन टन रिकॉर्ड करके खाद्यान्न उत्पादन को कितने मिलियन टन बढ़ाना है। तो जो कृषि मंत्रालय को है वो 6.35 मिलियन टन है वो खाद्य उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, और 2020-21 में चावल उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है वो 117.5 मिलियन टन का रखा है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों से बाहर संचालित होने वाली आईटी इकाइयों को कितने महीनों के लिए किराए से राहत देने का फैसला किया है। तो जो इसका जो फैसला किया है वो 3 महीनों के लिए जो आईटी कंपनियों को उनको किराए से राहत देने का फैसला किया है। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में भारत ने कितने देशों को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपूर्ति करने का निर्णय किया है। तो जो भारत है वो 55 देशों को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपूर्ति कराएगा, और इसमें से जो 21 देशों को वो वाणिज्यिक आधार पर दवाएं मिलेंगी, बाकी अन्य देशों को अनुदान के आधार पर ये दवाएं जो मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन, EPFO ने केवल 15 दिनों में 946 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 3,31,000 दावों को संसाधित किया है। EPFO में पी का अर्थ क्या है, जो EPFO वो इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें अर्थ का जो मतलब होगा वो फंड हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 7,300 करोड़ रुपए है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक के आभासी सत्र में भाग लिया, और अप्रैल 2020 में किसकी प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की गई है। तो ये जो है वो सऊदी अरब की प्रेसिडेंसी के तहत ये बैठक आयोजित की गई है, और इस बैठक में जो है कोविड-19 महामारी के संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई है। तो चलिए सऊदी अरब से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो जान लेते हैं। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद, और जो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है सऊदी रियाल। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक पुराने फ्रिज से जीरो को नामक एक कीटाणुनाशक कक्ष विकसित किया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक सूरतकल के प्रोफेसर अरुण एम इसलर और उनके रिसर्च स्कॉलर इब्राहिम सईद ने एक पुराने फ्रिज से कीटाणुनाशक कक्ष विकसित किया है। तो अरुण एम इसलर और इब्राहिम सईद ये दोनों इसके जो है सही आंसर है, तो 1 और 3 दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड UAE के अपने समकक्ष के साथ 2023 से 2031 तक चलने वाले चक्कर में 5 से 6 ICC आयोजनों के लिए एक संयुक्त बोली शुरू करने की योजना बना रहा है। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो अपने UAE के अपने समकक्ष के साथ 2023 से 2031 तक 5 से 6 ICC आयोजनों के लिए एक संयुक्त बोली शुरू करने की योजना बना रहा है। तो जो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद, और जो पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। तो जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के बीच फंसे प्रत्येक व्यक्ति को 3,500 रुपये प्रदान करेगा। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो कोविड-19 लॉकडाउन के बीच फंसे प्रत्येक व्यक्ति को 3,500 रुपये प्रदान करेगा। तो राज्य सरकार ने इसके अलावा PM किसान योजना के तहत पंजीकृत सभी किसानों को 1,000 रुपये प्रदान किए हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है वो है गाल, और जो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है ग्रेट हॉर्नबिल, और इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है वो है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।